विमुक्ति किया लाल याले हृदय कलरो हृदय कलरो हृदय कलरो। आप कैसे माओवादी संगठन में कैसे चले गए, फिर बंदूक कब मिला? पार्टी में रहे तो कोई बड़े लीडर वीडर के साथ मुलाकात होनी, कैसे देते हैं ट्रेनिंग? बड़े बड़े जो नक्सली लीडर हैं इनके बच्चे लोग विदेश में पढ़ते हैं, तो आपको क्या लगता है संगठन का क्या स्थिति होगा? अभी इतने लोग मर रहे हैं, क्या संगठन आगे बढ़ पाएगा? या आप इतना दिन थे तो आपको क्या समझना है? बस्तर में चार दशक से माओवाद काबिज है और इसको समाप्त करने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी की जोर लगा रखी। जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि चुटकियों में माओवाद को समाप्त कर दूंगा, तब से आप भरोसा करें कि आम जनमानस के दिमाग में भी माओवाद को लेकर तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। माओवादी कैसे रहते होंगे, माओवादी कैसे खाते होंगे, माओवादियों का संगठन कैसा होता होगा और वो कैसे लड़ते होंगे, कैसे ट्रेनिंग लेते होंगे, तमाम सवाल। तो ऐसे सवालों के जवाब मैं भी सोचता हूँ, अपने दर्शकों के सवालों के जवाब को ढूंढता रहूँ और उन तक इनके जवाब पहुँचाता रहूँ। तो आज मेरे को बहुत यंग लेकिन समर्पित पूर्व माओवाद, हालांकि हमारे जो गुरुदेव हैं रितेश भैया ने, उन्होंने और रौनक भाई ने भी इस पर ऑब्जेक्शन किया था ना, रौनक जी? आपने भी किया था, रौनक भाई कैमरे में मदद कर रहे हैं। इन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि जो माओवादी समर्पण कर चुका है तो उसे पूर्व माओवादी कह के उसके साथ माओवादी शब्द को क्यों जोड़ा जाए, लेकिन चूंकि मैं खबर बता रहा हूं तो इसमें मुझे बताना पड़ेगा, तब इनके बातों की एक गरिमा होगी कि जो लोग बातचीत कर रहे हैं तो उनकी क्या भूमिका है। इसलिए मैं माफ़ी के साथ बता रहा हूं कि हमारे साथ दो पूर्व माओवादी हैं और बहुत ही यंग हैं और बहुत जानकार टाइप के हैं। मैं इनसे बहुत देर से बातचीत कर रहा हूं, तो इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। मेरे साथ मैं बहुत माफ़ी के साथ गोलू नाम भी है। मैं सुकंत पद्दा बोले, सुकन बोलूँ हाँ। तो सुकन पद्दा भाई हैं और संदीप भाई हैं। सुकन भाई का नाम मैं दो बार भूल गया हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ना तो ये लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसे संगठन में जुड़े, क्या सीखे, कैसे रहा पूरा मामला। सुकन हाँ, ये बताओ कि आप कैसे माओवादी संगठन में कैसे चले गए? अभी तो आपका यंग लग रहे हो और फिर समर्पण भी कर दिए। हाँ, मैं संगठन में जुड़ना तो पहले उधर आ जाए, मैं कम से कम 10 साल था मेरा उम्र पहले। पहले मैं सीने मतलब चेतन नाट्य मंच से मैं प्रभावित हो गया वहाँ, बाकी जैसा अच्छा ये मुझे भी किसी ने कहा था कि किसी एक माओवादी से मैं पूछा या और एक जानकार से, तो बताया कि ये जो चेतना नाट्य मंडली होते हैं ये लोग जब गाना गाते हैं तो जो गांव की युवा है उससे आकर्षित होकर जुड़ जाते हैं, तो ऐसा रहता है गाना? ओ ऐसा ही रहता है गाना, उसमें जो अलग अलग प्रकार का गाना रहता है। एक याद है क्या सुनाऊंगा? अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट के खिलाफ गाना रहता है एक, और किसी का जो पुलिस के ऊपर अटैक करेंगे तो उसके ऊपर भी गाने रहते हैं, और कोई शहीद हुए तो उसके ऊपर भी गाने रहता है। इसी हिसाब से हम मेरा गाना मतलब ये चेतन नाट्य मंच का एक गाना है, वो गाना से तो मैं प्रभावित हो गया। हाँ, सुनाओ कौन सा गाना? ये एक गाना है, ये PLG का एक गाना भी है, इसमें ये है दाई कलरो दाई कलरो दाई कलरो दाई कलरो लैया लैयो दाई कलरो दाई कलरो दाई कलरो लैया लैयो दाई कलरो दाई कलरो दाई कलरो विमुक्ति कियाला विमुक्ति कियाला लैया लैयो दाई कलरो दाई कलरो दाई कलरो। इस टाइप का मतलब, इसका मतलब क्या है? दाई का मतलब चलेंगे, युवा युवतिया मतलब संगठन पे जाएंगे, विमुक्ति मतलब पूरा देश को मुक्ति करने के लिए, ऐसा टाइप का क्रांति लाने के लिए ये सभी ये सबसे गाना है। तो इससे तुम ज्यादा प्रभावित हो? ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए आज भी याद है, याद भी याद है ये गाना। हाँ। और बाकी गाना याद है लेकिन ठीक है। तो उसके बाद फिर संगठन में आप चेतना नाट्य मंडली के साथ जुड़ गए और घर में बता दिया कि मैं जा रहा हूँ। पहले जैसे हम घर से जाते मतलब लोकल बालल सीनेम करके था, हम जाते थे एक मतलब पहले एक वो अभी भी है चंदर जिंदा है, वो भी पहले उस सीनेम में था, वो हमको 3 बार मतलब यो कैसे डांस करना है कैसे गाना गाना है ये सब कुछ ट्रेनिंग देते, वहाँ भी ट्रेनिंग देना पड़ता है, इसका भी ट्रेनिंग, इसका भी ट्रेनिंग, नाचने का भी ट्रेनिंग रहता है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अंग है ना। तब भी हम कैसे मतलब ये हर गाना का शब्द, हर गाना का शब्द का महत्व रहता है उसमें, तो उसमें हर मतलब वो प्रकृति के संबंध बना के गाना बनाते हैं,
प्रकृति मतलब चांद सूर्या पेड़ नदी नदी नाला सब पकड़ के गाना बनाते, उसी सब से सूर्य कहाँ से निकलता है कहाँ से कहाँ डूबता है ये सब कुछ उसी सब से एक्शन करना पड़ता है ये भी सिखाते थे। ये भी फिर उसके बाद फिर आगे कहाँ गए सीखने के बाद? सीखने के बाद फिर कुछ प्रोग्राम होता है वहाँ पे जाना, फिर लोगों को गाना वगैरह गाना पड़ता था, उसी सब से मैं फिर अरे ये अच्छा है करके बाद में जल जंगल जमीन को बचाना है और PLG पे भर्ती होना है ये बहुत सारे फिर विषय भी आना पड़ा मुझे भी। तो फिर बंदूक कब मिला? मुझे 2009 पे मैं रिक्रूट हो गया तो 2010 पे मुझे बंदूक मिला। कौन सा मिला? ये 12 बोर SBL। और कितना कारतूस मिला वो 10 या कितना उतना समय उसको चलाते रहे? ओ कैसे लोड करना कैसे ये सिखाते रहे? हाँ सिखाते। और चलाने देते रहे कि नहीं? ओ देते थे। तो ट्रेनिंग में चलाने देते हैं? तो ट्रेनिंग पे चलाने नहीं देते, लेकिन इतना इतना डंडा उसमें कम से कम 5-2-3 किलो का बनना जैसा डंडा लेके उसी से प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, और क्या क्या ट्रेनिंग में कैसे देते हैं ट्रेनिंग? टर्निंग पहले सर जो प्राथमिक रहता है उसमें पोजीशन मतलब वो पेड़ पे कैसे हार्ड लेने का है और छोटा मतलब पेड़ होने से उसमें कैसे हार्ड लेने का है और थोड़ा ये सा नदी थोड़ा ये नाला वगैरह होने से तो उसमें कैसे ये पोजीशन लेना है ये पहले ट्रेनिंग देते हैं। स्कूल तो नहीं गए होगे तो पढ़ाई वहाँ करवाएं? हाँ वहीं मैं पढ़ाई किया हूँ। क्या क्या पढ़ाई? जो पहले अनर्के से ये पढ़ाए, पढ़ने के बाद बाकी विषय जो ये अलग अलग ये पत्रिका मतलब सर्कुलर CC सर्कुलर मतलब ये कोई स्टेटमेंट वगैरह देते थे ये पाम्पलेट वगैरह ये पढ़ना शुरू किया। बाद में ये बेरा प्रभात वियुक्का ये पढ़ियो रफुल्लो ये शंकररत महिला ये बाकी किताब भी मैंने पढ़ा। बाद में थोड़ा ये होने के बाद ये मार्क्स माओ लेनिन स्टालिन ये इनका भी एंगल्स का भी मैंने इनको भी पढ़े। हिंदी में पढ़े अंग्रेजी में? हिंदी में मैं पढ़ा। ABCD पढ़ा है कि नहीं? ABCD उतना नहीं मुझे नहीं आता। अच्छा। पढ़ा लेकिन उतना नहीं आता। का पढ़े? हाँ का पढ़े। लिखने फिर आता है? हाँ लिखने फिर आता। अच्छा, तो कोई कक्षा तक नहीं पढ़े? 5वीं तक नहीं पढ़ा मैं, खाली वहाँ स्कूल खाली। तो ये रोज पढ़ना वहाँ जरूरी है कि कभी कभी पढ़ना? क्योंकि जो संघर्ष में लड़ाई पे क्रांति में जो रहना है तो रोज पढ़ना चाहिए। जो उसमें पहले सर पहले क्या कि पहले परिस्थिति अच्छा था 2009-10 पे तो हमने जो सुबह नाश्ता करने के बाद वेपन्स वगैरह साफ करने के बाद कम से कम 2 टाइम समिष्टि पढ़ाई करना पड़ता था ये प्राथमिक पढ़ाई। अच्छा। उसमें कोई अच्छा जो पढ़ाई वाले होने से तो अनर के वगैरह बताते उसके बाद ये क्या बोलते ये कोई पुस्तक से उसको देख के वो बताने साफ उसे लिखना पड़ता था अनार का लिखना पड़ता था और गिनती वगैरह लिखना पड़ता था उससे हम सीख गए। अच्छा एक बार तो आप मतलब चले मत जाना ना यहीं पे खड़े ना आप क्या मतलब क्यों प्रभावित होकर चले गए थे संगठन में? सर मेरा तो वही अभी अपना सुखन भाई ने बताया मेरे को नक्सल के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था कि वो अभी भाषण वगैरह देते थे यानी आप क्रांति लाएंगे सब और नाच गाना अभी तो उतना नाच गाना वाला बहुत कम हो गया लेकिन पहले बहुत थे गांव में शाम को आने के बाद गांव वालों को जमा करके फिर बाद में अपना गोंडी गीत रहे थे गोंडी गीत वो अभी एक कदन का बारे में मैंने अपने भाई ने बताया जैसे ही सेम मेरा भी वही है। तो मैं तब 10वीं क्लास में था 10वीं तक मैं पढ़ा हूँ। स्कूल गए हो? हाँ सर। अच्छा हाँ 10वीं आश्रम स्कूल है आप नाले का आश्रम ये अपना गवर्नमेंट है सर वहाँ पे 10वीं क्लास तक मैं पढ़ा 2009 में मैं 10वीं में था तभी से मैं चला गया। आपके घर में और कौन कौन? सर अभी मेरा छोटा भाई है और बड़े भाई है लेकिन तो घर वाले मना नहीं किए मत जाओ बोल सर मैं नहीं बताया उसको। अच्छा। अपना एक दोस्त था वहाँ पे रुपेश कर को इनकाउंटर में मर गया वो मेरा दोस्त था खास दोस्त यानी खास उसका साथ मैं वो सिविल में आते थे तब वो DAKM में जो संगठन था सिविल में दो जन जाके गाँव में संगठन बनाना डंडा कराना आदिवासी किसान मजदूर संगठन करके वो ऐसे आ गया वो आने से मेरे घर में आते थे फिर बाद में उसका साथ मैं ऐसा गया चले जाओ भाई बोले गया मैं 2-3 दिन भाई वहाँ से मैं वापस नहीं आया घर में बताया कि मैं 2 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा भाई को वहाँ तक पहुँचा देता बोला दादा लोग को फिर बाद में मैं वापस नहीं आया उसके साथ चला गया फिर बाद में 10 दिन के बाद अभी इनकाउंटर में मर गया जोगाना करके था। हाँ जोगाना अभी जो हाँ सर जोगाना मेरे को मिले मिलने के बाद मेरे को पूरा वो भी पूछा कहाँ से कौन सा परिवार है
क्यों आया, समस्या कौन सा है, कैसे तू नक्सल में आया करके सब बताया। नहीं समस्या कुछ नहीं सर बोला मैं, दादा बोला उसको, दादा समस्या तो कुछ नहीं है लेकिन मैं ऐसी मेरे को आने का बहुत दिन से इच्छा था, तो अपना भाई को बताया फिर आ गया करके। ठीक है फिर वो भी बताया, अभी दला मेघ भरा था तो वापस नहीं जाना चाहिए, अगर वापस जाओगे तो फिर पुलिस लोग अपना परिवार को तकलीफ देंगे। मैं भी सोचा ठीक है फिर वहाँ पे मैं रहा सर। घर में कब बताया कि मैं दलम में चले गया? एक महीना के बाद वहाँ से जो दूसरा गांव से भेजा है अपने संगठन वालों को, वहाँ जाके गांव घर वालों का भी वो आने वाला नहीं है। तो घर वाले रोए नहीं सर? रोए मैं एक महीने के बाद गया था, उसी साल मेरा पिताजी भी खत्म हो गए थे। अच्छा। 2010 में नहीं 9 में खत्म हुए तो गए थे? नहीं सर मैं घर में रहा था बीच, यानी 3 महीना पहले वो पिताजी खत्म हो गया, मैं 3 महीने के बाद मैं संगठन में चले गए। अच्छा। हाँ। पिताजी नहीं थे? हाँ। खत्म हो गए। हाँ। लेकिन कोई परेशान नहीं किया था ऐसा नहीं कि कई बार बोलते नहीं कि बहुत पीड़ित थे, मारपीट हुआ, पुलिस परेशान की इसलिए चले गए, ऐसा सर वैसा मेरे कुछ नहीं है, बस गाना सुने अच्छा लगा चले गए। हाँ सर आपके साथ भी आपको कोई मारपीट नहीं किया है कि नहीं? हालांकि आपके परिवार के बहुत लोग पार्टी में थे। पार्टी में थे। तो ये बताओ कि पार्टी में रहे तो कोई बड़े लीडर वीडर के साथ मुलाकात होता रहा? हाँ होता रहा। किससे किससे जैसे मिले? ये सोनू दादा से, देवजी दादा, ये कोसा दादा। कोसा दादा यही जो अबुझमाड़ में जो बताते हैं कि उस संगठन को लेके आए हैं यहाँ शुरुआत में 80 में? हाँ 80 में वही बरोबर। तो अभी कैसा होगा वो, एकदम डोकरे हो गए होंगे? अभी कम से कम बहुत डोकरे हो गए और मेरे ख्याल में 60 से ऊपर हो उनका, 70 तक तो से ऊपर होगा है कि नहीं? तो ये सबसे मिले हो? हाँ सबसे मैं मिला। अच्छा तो अच्छा इन लोगों का क्या काम रहता है? ये जैसे सोनू दादा है तो पोलित ब्यूरो है, तो इन लोग क्या करते हैं? इनका जो हर सीसी मेंबर का अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है, देवजी दादा को उसको मिलिट्री देखना पड़ता है और सोनू दादा का जो पार्टी में पार्टी का जो विषय जो मतलब खासकर मैं वो उनके साथ तो रहा हूँ तो कम से कम ये कोई ना कम से कम रात 10-11 बजे तक पढ़ते थे। कौन सोनू दादा? कितना साल रहे उनके साथ? ज़्यादा साल नहीं लेकिन जो उसके प्रोटेक्शन हम जाते थे तब। अच्छा। मिलते थे तब वो पढ़ते थे और कोसा दादा भी वैसे, देवजी दादा भी, इन लोग बहुत पढ़ते थे और उस पढ़ने के बाद वो किस विषय पे लिखना है मतलब ये पार्टी के संविधान पे उन लोग कुछ विषय लिखे हैं, पार्टी संविधान भी लिखे हैं, पार्टी कार्यक्रम, पार्टी घोषणा पत्र, ये तेलुगु इंग्लिश से तेलुगु करना, तेलुगु से गोंडी करना, ये बहुत ही और शुद्ध ये माड़िया भाषा सबसे अच्छा बात करने वाले सोना दादा माड़िया बात अच्छा करता है और माड़िया भाषा अच्छा करता है, उनसे अंग्रेजी भी आता है? अंग्रेजी भी आता है और बाकी गांव वाले भी आने से एक सोनू दादा आया है नहीं तो ये सोनू दादा ज़्यादा ऐसे ही बोलते थे और ये इनका ज़्यादा ये सबसे इनका जो पढ़ना लिखना विषय के बारे में अध्ययन करना, जो कुछ लोग ऐसे बोलते कि कोई ये नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री का है उनका भी जो भाषण कोई कोई नहीं सुनते थे लेकिन वो भाषण सुनते उनका भाषण सुन के उनका क्या हो उनका असली विषय क्या है या गलत क्या है जो वे सबसे पहले देखता था। अच्छा। जो भी भाषण देता जो भी मतलब अपना सरकार से भी कोई देते उसमें सकारात्मक क्या है नकारात्मक क्या है उसमें उससे वो सकारात्मक विषय लेता है। अच्छा। ऐसे लेके वो किताब लिखता है, एक 2016 पे एक ब्राह्मणवाद के खिलाफ उसने किताब लिखा, वो 30 किताब पढ़ने के बाद एक किताब लिखी, उसको 6 महीना हो गया किताब लिखने के लिए सोनू दादा। हाँ सोनू दादा को। अच्छा। सर इन लोग बंदूक नहीं चलाते? पहले चलाते होंगे लेकिन अभी बहुत उम्र भी बढ़ गया तो अभी बंदूक नहीं पकड़ते। एक बात सुनने में आता है ना कि बड़े बड़े जो नक्सली लीडर हैं इनके बच्चे लोग विदेश में पढ़ते हैं, तो आपको क्या लगता है? मैं सभी सीसी मेंबर से हम मिले लेकिन सोनू दादा का तो उनका अपना इधर के जो गढ़चिरौल के तारा का करके तारा दीदी है उनसे शादी किया है, उनका बच्चे भी नहीं है और देवजी दादा के भी बच्चे नहीं है। उनका जो सुरजन दीदी थी 2020 पे वो एनकाउंटर पे गढ़चिरौल पे वो भी मर गई है, वो किसी का तो बच्चे नहीं है और किसी का जो मुझे लगता है तो
किसी को बाहर विदेश में बेचते हैं, पैसा इधर से बेचते हैं करके ये ऐसे चर्चा है। खासकर अपना जो सरेंडर वाले लोग कोई कोई ऐसे थोड़ा उनके ऊपर वो ये बातचीत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं होता पार्टी में। अच्छा ये बताओ, अभी बीच में मैं एक मुठभेड़ वाले जगह में गया था कुतूल के और आगे, तो मेरे को बहुत घने जंगल में ये बल्ली वल्ली गड़ा मिला था, छोटा छोटा बल्ली बांस का स्ट्रक्चर, तो मेरे को लगा कि वो ट्रेनिंग सेंटर है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रेनिंग सेंटर में बल्ली वल्ली गड़ा रहता है सर? सर जो वो मतलब उसमें प्रोग्राम रखते हैं जो मतलब ट्रेनिंग के लिए, ये कितने दिन तक ये ट्रेनिंग चलना है या किस विषय पे ट्रेनिंग चलना है, ये मतलब अलग अलग ट्रेनिंग होता है, ये किसी नए पर भी ट्रेनिंग होता है, नहीं तो कोई रिक्रूट के लिए भी नए नए रिक्रूट वालों का भी ट्रेनिंग होता है, उसमें कोई प्लाटून स्तर के लोगों का भी ट्रेनिंग होता है, इस हिसाब से आर्डर रहता है उसमें ट्रेनिंग पे भी। उस हिसाब से वो कम से कम 10-15 दिन का ट्रेनिंग होगा शायद, मुझे ऐसे लगता है। उस हिसाब से कम ये डंडा वगैरह जैसे गड्ढा खोदते कम से कम 12 फीट का ऐसे सब कुछ ऐसे रखते हैं टर्निंग पे। 2022 में कब किया आप सरेंडर? 22 में। अभी आप देख रहे हो जब से बीजेपी की सरकार आई है केंद्र में और छत्तीसगढ़ में, अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुठभेड़ बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे नक्सलियों को मार रहे हैं। क्या लग रहा है ये सब देख के कि संगठन का क्या स्थिति होगा? अभी इतने लोग मर रहे हैं, क्या संगठन आगे बढ़ पाएगा? या आप इतना दिन थे तो आपको क्या समझ में आ रहा है? सर मुझे लगता है कि हमने सरेंडर में सब विषय को लेके मैंने सरेंडर किए सभी किताब जो प्रस्ताव ऊपर से कम से नीचे तक प्रस्ताव भी आते हैं उसको हमने मैंने तो बहुत पढ़ा। मैं जो मैं भी 6 महीना मैं प्रयास किया, मतलब जो किताब पढ़ा ये संगठन अभी ये खड़ा हो पाएगी कि नहीं, ये मैं सब कुछ पढ़ा। पढ़ने के बाद हर दिन एनकाउंटर होते थे, अभी भी हो रहे हैं एनकाउंटर, कहीं 22 लोग मारते, कभी 29 का, कहीं 10 लोग, कहीं 6 लोग, 7 लोग, ये पूरा भी साधारण हो गया ये बीजेपी सरकार आने के। पता है कुछ उसमें कुछ ग्रामीण लोग भी उसमें गए हैं। मुझे लगता है कि अभी जो संगठन से अभी वो सरकार के ऊपर अटैक अभी बहुत कम है। अभी 2-3 पहले बीजापुर में एक ब्लास्ट हुआ है, वो ये घटना, बाकी तो नहीं है, बाकी तो सिर्फ संगठन को संगठन को नुकसान हो गया। वो इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि संगठन तो कम से कम वो टिक नहीं पाएगी, टिक पाएगा तो नुकसान हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। वो तो टिके कितने दिन टिकेगा लेकिन वो भविष्य बताएगा, वो तो मैंने बता नहीं सकता उसके ऊपर, लेकिन बहुत कमजोर हो जाएगा और अभी भी कमजोर बहुत है। और अच्छा अच्छा मार्गदर्शन करने वाले कुछ लोग बीमार से गुजर गए, ये तो साके दादा, दूल्हा दादा, मुरली दादा, इन लोगों और लखनऊ इधर वो मिलिंद जैसा कुछ लोग तो अभी गुजर भी गए हैं, ये जो दिमाग अच्छा दिमाग वाले लोग है। और अभी अपना जो सीसी लेवल के भी लोग बहुत कम लोग अभी बचे हैं, और ज़्यादा उम्र लोग भी है अभी। ये जो नए लोग भर्ती होते हैं इन लोग क्या सीसी लेवल टाइप के नहीं हैं इन लोग? मतलब घर से जो अभी नया भर्ती हो रहा है रिक्रूटमेंट, उसमें कोई सीसी लेवल का तो कोई नहीं सर उसमें, क्योंकि उसमें उस लेवल को लेवल में जो स्तर बनना तो अच्छी सिद्धांत के बारे में पकड़ होना, उसके ऊपर एक हट्टूट होना पड़ता है, विश्वास के साथ खड़ा होना पड़ता है योग सिद्धांत के बारे में, और हर विषय को सरकार को जवाब का सवाल का जवाब देना पड़ता है, यो सीसी मेंबर बन सकता है। और कोई अभी घर से आते कोई पढ़े बिना पढ़े लिखे लोग आते हैं, कोई जैसा जंगल में घूमने वाले जैसा बच्चे खेलते खेलते आते हैं, जो उसको कुछ भी मालूम नहीं रहता, वो पार्टी में आने के बाद उसको सब कुछ मालूम रहता है, मालूम हो जाती है क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तकलीफ होने के बाद फिर घर भी चला जाते हैं, भाग भी जाते हैं, ऐसे लोग रहते हैं। मैं बहुत बार देखा हूँ कि बीटेक एमटेक तक जो पढ़ाई की है वो लोग भी संगठन में ज्वाइन करते हैं। अब ऐसे लोग आ रहे हैं क्या संगठन में? पहले एमटेक बीटेक बहुत लोग बीटेक एमटेक अपना आज़ाद पहले था एमटेक बीटेक और किसान जी या बाकी एनकाउंटर में मारे गए किसान जी, इन लोग तो बहुत ही। ये सोनू दादापुर में मेरे को एक लड़का याद है विवेक, जब SRP कल्लूरी बस्तर आई जी हुआ करते थे तब मुठभेड़ में एक कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट था, वो संगठन में था, एकदम यंग लड़का। तो अब ऐसे लोग आते हैं क्या अब नया भर्ती में? ऐसा तो मुझे लगता है ऐसे तो यंग लड़का कोई नहीं आते हैं, आएंगे तो अगर वो तेलंगाना आंध्रा वाले कुछ प्रभावित होके आएंगे तो अपना जो
छत्तीसगढ़ नहीं तो महाराष्ट्र में तो ऐसे वाला कोई नहीं मिलेंगे। अच्छा ये बताओ, एक टोपी मेरे को मिला था उसमें एक स्टार लगा था, हाँ उसका क्या मतलब है, मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ उसको। उसमें स्टार का अलग उसका जो सर महत्व रहता है, स्टार का टोपी का भी महत्व रहता है। और यहाँ पे एक PLJ करके के मतलब यो एशिया और इसमें SLR भी लटके रहता है, उसका भी महत्व रहता है, वर्दी का भी महत्व रहता है और टोपी का भी महत्व। और PLJ का हर कैडर टोपी लगाना है, ये पार्टी के एजुकेशन है। PLJ का जो है उनका PLJ का घोषणा पत्र पे भी लिखा है। और टोपी स्टार का है, उनका 3 स्टार मतलब 4 स्टार वाले भी आते हैं, उसमें उसको नहीं लगाना चाहिए। और उसमें 5 स्टार का है रहता है, हाँ लाइन 5 लाइन उसका महत्व रहता है कि 5 लाइन का उसका जो पार्टी को जन्म किए उनका महान नेताओं का उसमें उस स्टार पे उनका सिद्धांत है। किसका जैसे नाम किसी का 5 लाइन, 5 लोगों का जैसे एक स्टार 5 लाइन का वो एक एक का महत्व रहता है। किसका किस जैसे मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ, अच्छा ये इसी से सबसे वो बनाया। अच्छा इनके लिए 5, हाँ गुड। तो ये बताओ आप कि आखिरी कि आप समर्पण क्यों किया आखिरी में? आखिरी में मैं समर्पण ही अपना गढ़चिरौली पे मैंने भी बहुत काम किया, मैं भी लगभग 5-6 साल गढ़चिरौली पे, जो वहाँ का रिक्रूट पूरा बंद हो गया, मतलब भर्ती पूरा बंद हो गया। और वो अपना एनकाउंटर मतलब पुलिस का एनकाउंटर ज़्यादा बढ़ गया और गश्ती भी बढ़ गया। और मोबाइल टावर्स और कुछ रोड यातायात और कुछ इंफॉर्मेशन सब कुछ बढ़ गया। बढ़ने के बाद ये अपना जो वहाँ के लोग अभी के युवा पीढ़ी सारे के सारे पढ़ाई करने वाले लोग है। अब पहले तो ज़्यादा पढ़ाई करने वाले नहीं थे, 10वीं या 12वीं पढ़ने के बाद कुछ घर पे आए, शादी वगैरह किए हैं। और कुछ लोग संगठन में भी जुड़ गए, लेकिन अभी का युवा पीढ़ी खासकर अभी नागपुर, चंद्रपुर, पुणे इस जगह पे पढ़ रहे। वो पढ़ने के बाद कुछ लोग अभी यो ना कुछ लोग लड़के अभी या नर्स बन रहे है, कुछ लोग गुरुजी खास नौकरी में जा रहे। और कुछ लोग अभी पुलिस भी बहुत नहीं, तो वो लोग नहीं आ रहे इसलिए आप सरेंडर कर दिए? वैसा नहीं है, हाँ। मेरा जो वैसा तो नहीं है, खासकर वो एनकाउंटर्स बढ़ गया इसलिए। कई बार बोलते हैं कि बड़े नेता लोग छोटे नक्सली लीडर को डराते धमकाते हैं, प्रताड़ित करते हैं, इसलिए समर्पण। तो आपके साथ ऐसा था क्या? वैसे मेरा साथ तो वैसा नहीं था, एनकाउंटर बढ़ रहा था इसलिए आपको लगा कोई मतलब नहीं लड़के, कैसे भी करके मैं एक एनकाउंटर में अगर मैं भी रहूँगा तो मैं भी कैसे भी करके मारूंगा। और खासकर मुझे ये और जो सरेंडर पॉलिसी मुझे बहुत प्रभावित किया। संदीप आप क्यों समर्पण किए? सर मेरा भी वही है कि 3-4 कारण वहाँ पे मेरा, यानी जो मैं पहले जो भर्ती होगा तब तो सरकार का सुविधा वगैरह हमारे इधर नहीं था, या पूरा नक्सल का वहाँ पे हड्डा जैसे थे, तब मैं चले गया। फिर बाद में मैं 2009 से लेकर 19 तक बीच में ऐसी कमांडर ऐसी ऐसे बना। फिर बाद में जो सरकार से सुविधा जो आने लगे, यानी धलम में मैं रहता था वो 3, यानी जनादर घट गया। हम पहले जैसे 2009 से लेकर 2013 तक 14-15 तक समझो कि तब जनादर बहुत अच्छे थे, यानी अपना RPC अच्छे थे, अपना DAKMS, KMS, CNM, मिलिशिया ये सब, यानी अपना नक्सल जितना जो निर्माण रहता नक्सल का वो सक्रिय थे तब। तब कहाँ भी जाने से सभी लोग मदद करते थे। फिर बाद में जैसा जो सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने जो ये पॉलिसी तैयार किए और CV सेक्शन के प्रोग्राम जो बढ़ा दिया, फिर बाद में सरकार का ये मोबाइल टावर और रोड कैसा बनना शुरू किया, तब से लेकर ये जनाडर धीरे 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 घट गए। घट होने के बाद हमको जनता से कुछ मदद ही नहीं मिले। फिर और पुलिस कैंप जो बीच बीच 5-10 किलोमीटर के बीच में पुलिस कैंप थाना ओपन कर दिया। फिर बाद में जो इनकाउंटर बढ़ा, इनकाउंटर बढ़ने के बाद मेरा आना कुछ ऐसे नहीं है कि अभी बड़े लोग को मैं ऊपर अत्याचार कर रहा है या और ये कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, दबाव वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन मेरा एक दबाव था, जैसा मैं जिम्मेदारी में बढ़ा तब मेरे काम के ऊपर मेरा दबाव जो फैली भी मैं बताया, वही मेरा एक कारण था कि
अगर आप काम करो तो अच्छा है, जहाँ अपने जो डीवीसी प्रस्ताव जो लाते नहीं तो ऐसी प्रस्ताव होते वो आप अमल करना है। अगर अमल करना बोले तो दस गांव में जाना पड़ता, उसको जनता को बताना पभी तेंदुपत्ता का हो, बांस कटाई का हो, वो रेट सब से हो, ये सब अगर वहाँ पे अनुकूल है वहाँ पर जा सकते, लेकिन अनुकूल जहाँ पे नहीं है वहाँ पे जा नहीं पाते हम लोग। फिर बाद में अब जो यहाँ पे जिम्मेदार ऐसी है तो हमारे डीवीसी जो रहते हैं, फिर बाद में वहाँ पे क्यों नहीं किया, जो आलोचना आत्मालोचना जो होते हैं, नहीं तो ऐसी मीटिंग में आत्मालोचना आलोचना रहते हैं वहाँ पे, जो आलोचना इस रूप से मेरे को दबाव आया, ऐसे गाली गलौज के रूप में नहीं, आलोचना रूप से ये मेरे को दबाव आया। अगर इनकाउंटर हो गया बीच में, हमारे साथी जो मर गए, फिर बाद में वो भी आलोचना हमारे ऊपर आते, कमांडर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ये मिलिट्री जो पॉलिसी रहते हैं PLGA का, पीपल्स लिबरेशन गुरिल आर्मी का जो पॉलिसी रहते हैं, यानी कैसा वो धलम को बचाना है और जनाधार कैसा बढ़ाना है, हमारा नेटवर्क कैसा बढ़ाना है, यानी जनता से मिलिशिया को कैसा नेटवर्क करना है, ये सभी करना करके था, लेकिन आप लोग वो नहीं दिया, इसलिए एक इनकाउंटर में हमारे साथियों को हम लोग ऐसी आलोचना आ गई। फिर बाद में ये मैं सब सोचा कि यहाँ पे जितना दिन रहोगे, एक ये अपना निर्माण रूप से दबाव आ रहा है और एक पुलिस के दबाव आ रहा है, और तीसरा अपना ये खाना पीने का ये है, ये और पुलिस का अभियान बढ़ गया है, खाना पीना का दिक्कत होता रहा क्या? हाँ सर, ये अभी तो फायरिंग होने के बाद होते, लेकिन उसका बाद में 2017-18-19 यानी यहाँ पे बहुत दिक्कत होते थे, कभी कभी खाना भी नहीं मिलता था, यानी पोस्ट बढ़ गए वहाँ पे, पुलिस आ गया गांव में, हम जा नहीं पाते थे वहाँ पे चावल गेवल लेने के लिए, अगर फायरिंग हो गया तो भांडे बर्तन पूरे चले जाते और चावल भी ख़त्म हो जाते और सामान गीमन अपना यहाँ नहीं रहते, फिर तो ये तो दिक्कत होती है सर, ये पानी का भी इसीलिए सरेंडर। हाँ अच्छा, एक चीज़ ये कि बहुत लोग पूछते हैं कि तनख्वाह मिलता है क्या नक्सलियों को? नहीं नहीं सर, तनख्वाह नहीं मिलते वहाँ पे, वहाँ पे कई सर रहता, अभी जो अमाउंट वहाँ पे मिलते हैं यानी वो खर्चा के लिए मिलते हैं। अभी समझो मेरा दलम के अंडर में 18 लोग थे हम लोग, यानी 18 लोगों के अंडर में अभी आपको 5 लाख नहीं तो 6 लाख खर्चा के लिए। कितना दिन के लिए? अभी वहाँ पे डिपेंड नहीं रहता है कि 5 लाख एक महीना के एक साल? नहीं नहीं, एक साल के लिए 6 लाख रुपये थे हमारा। अच्छा, अगर वो ख़त्म हो गया, पैरें वगैरह हो गया तो और सामान खरीदना पड़ता है वहाँ पे, और भी ये भी और भी पैसा देते हैं, डीवीसी लोग खाते में रहते हैं, वैसे जो मिलते हैं, फिर वो भी अकाउंट शीट बनाना पड़ता है, खर्चा का हिसाब हिसाब बना। हाँ, मैं देखा था एक बार, किचन और कपड़ा के लिए कितना, टॉयलेट ये स्मोकिंग नहीं 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 नहीं, सब की सब वहाँ पे दिखाना पड़ता। घर नहीं भेज सकते पैसा? नहीं सर, अगर किसी का बीमार वगैरह अगर कुछ हो गया तो हमारा कमेटी, ऐसी कमेटी जो रहता है वहाँ पे निर्णय लेके उसको कितना देना मदद के लिए। अच्छा, हाँ वैसे बेच सकते, लेकिन मैं कमांडर हूँ, मेरे हिसाब से मनमानी तरीका से भेज नहीं सकते, मतलब तनख्वाह नहीं मिलता। नहीं नहीं, ये जैसे सरेंडर करते हैं तो माओवादी संगठन के लोग बोलते हैं गद्दार है, तो आप लोग को भी बोले क्या गद्दार है वो बोल के? आज तक मैंने नाम नहीं सुना मेरा गद्दार। अगर गद्दारी उन लोग भी ऐसे करते हैं सर, जो गद्दारी किसको बोलना है या किसी को नहीं बोलना है गद्दारी, ये भी मैं सोनू दादा से ये पता चला कि वो बताया गद्दारी किसको बोलना है और गद्दारी को किसी को नहीं बोलना है। अगर मैं वेपन्स के साथ जो सरेंडर हो जाऊंगा, नहीं तो पुलिस के साथ मैं जंगल में गश्ती में जाऊंगा और कुछ ना कुछ एनकाउंटर करूंगा, तो मैं गद्दारी सबसे मैं। तुम ये सब किया भी नहीं? मैं किया भी नहीं आज तक। ठीक है ठीक है रौनक भाई, और कोई आपके मन में सवाल तो नहीं है? मेरे मन में बहुत सारा सवाल था तो मैं पूछ लिया। तो ये दोनों भाई हैं जो अभी गढ़चिरौली में हैं, समर्पण कर चुके हैं 2019 में, 2022 में लंबा समय इन्होंने संगठन बिताया और बड़े बड़े नक्सली कमांडरों के साथ रहे हैं। बहुत सारी जिज्ञासाएं आपके मन में रहती है, आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूं तो मेरी जिज्ञासाएं बढ़ती हैं, तो उन सारी जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश किया हूं, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं और कभी पूछा जाएगा। अगर लगे ये बातचीत ठीक ठाक थी, जानकारियाँ ठीक ठाक थी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।